गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रावत सिस्टर्स में। और आप देख रहे होंगे हम दोबारा पहुंच गए उत्तराखंड और अपने गांव पहुंच गए हैं। इस बार अंशु और मम्मी भी आए हैं हमारे साथ। पिछली बार आपने पिछले वाले व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें सिर्फ पापा और मैं आए थे, तो इस बार मम्मी और अंशु भी आए हैं। अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30, हम कल 11:30 बजे बैठे थे और हम सुबह सुबह 6:30 बजे पहुँच गए हैं। बहुत अच्छी टाइमिंग है जो, और यहाँ पर मम्मी और पापा जाने लग गए सामान लेके, बहुत लेट हो चुका है। मतलब यहाँ पे हमें खड़े में बहुत टाइम हो गया, मेरे को भी ये बैग उठाना है। और अभी हमने वहाँ कॉल करके बताया भी नहीं है किसी को कि हम पहुँच गए हैं, हम डायरेक्ट उनको वहीं जाके सरप्राइज देते हैं। हमने इससे पहले दिसंबर में भी व्लॉग्स बनाए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं पहले वो ज़रूर देख के आना, उसके बाद ही ये वाली सीरीज कंटिन्यू करना। हाँ, इसे कुछ तो आपको जल्दी पता है कि हम जैसे गांव आए, इसका एक और रीज़न है, तो वो आपके लिए सरप्राइज है और आपको इस व्लॉग में पता चलेगा, तो भी कंटिन्यू सरप्राइज। दादी नमस्ते, चाची नमस्ते, ठीक है आपकी तबीयत? ठीक है। नहा गए आप सुबह सुबह है? आज ही नहीं हूँ, आज रात दादाजी नहीं खाने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ गई, सोना है अभी थोड़ा सा और, इसको बहुत नींद आ रही है। आयुष देखियो, आंख तो खोल, तो नींद आ रही है। इसका हमने नींद से उठा दिया। हाँ, इसने फोन को मार दिया मेरे। तो अभी हमने आके अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं बहुत थक गई थी तो हम सब सो गए थे। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले उठी मैं, अभी मैंने नहा लिया और सब अभी यहाँ पे लंच करने लग गए हैं। ये तीनों यहाँ पे पापा के साथ अलग कर रहे हैं और यहाँ पे दादी मम्मी और चाची बैठ गए। मैं भी अभी यहीं पे बैठूंगी। और आपको दिख ही गया होगा कि हमारा पूरा घर रेनोवेट हो चुका है, तो मैं इसका होम टूर आपको थोड़ी देर में देती हूँ शाम को, अभी तो धूप बहुत तेज हो रही है। तो आज खाने में बना है दाल चावल, और ये किसकी सब्जी है? चौलाई की सब्जी है, घर की गांव की सब्जी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा होम टूर, देती हूँ। तो स्टार्टिंग ये है, ये एंट्री वाला गेट है, इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेंट हुआ है। और फर्स्ट रूम ये है, ये पहले वाला रूम है, और इसमें अभी तो फिलहाल दिखाती हूँ, इसमें तो फिलहाल अभी मंदिर रखा है और ऐसी जो सारे सामान था, स्टोर रूम टाइप्स बना दिया है इसको। वाओ, व्यू देखो जरा प्यारा, आय हाय सन कितना प्यारा लग रहा है। और ये मैं यहाँ से देख, अच्छा ऐसे देखो आप, ये है पहले हमारी छत भी, मतलब नॉर्मल छत थी, अब पूरा वो बाउंड्री लगा के बन गई है। फर्स्ट रूम है ये, जिसमें यहाँ पे चाची काम कर रही है। और ये रूम के सामने यहाँ पे है पानी, ये नल हमारा पानी का पूरा घर तक आ चुका है, और इसमें इतना कम पानी आ रहा है इस बार, वैसे तो ज़्यादा आता है, इस बार कम आ रहा है। दादी ने यहाँ पे आम, मतलब ये हम लोगों का पेड़ है, हम ये वाला ताऊजी लोगों का है, इसमें भी आम है, इसमें भी आ रखे देखो यहाँ पे आम। सेकंड रूम की ओर चलते हैं हम, यहाँ पे शीशे भी कितने अच्छे लग गए हैं यहाँ पे। और सेकंड रूम की ओर चलते हैं, खोलो भाई, बहुत टाइट है। दिस इज द सेकेंड रूम, और तो बस ये है सेकेंड रूम। यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रखा, अभी हम यहीं पे सो रखे थे क्योंकि, और ये नाउ दिस इज द थर्ड रूम। ये थर्ड रूम है, ओके। और यहाँ पे है टीवी, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, कूलर भी लगाया है, वो भी इतनी गर्म हवा फेंक रहा है ना। इसके बाद यहाँ पे आता हमारा किचन, ये छोटू मोटू सा किचन है हमारा, और ये सिंक भी है लेकिन इसका कुछ सिस्टम नहीं है, बस यहाँ पे बर्तन रख सकते हो और बस इसके लिए। और यहाँ पे फ्रिज भी आ गया हम लोगों का, छोटा सा ये किचन है, ये भी पपीते देखो, सबसे छोटा पपीता, कितना छोटू पपीता है ये,
क्योंकि पपीता का पेड़ है ना हमारा, ये देखो ये भी हो रखे यहाँ पे पपीते। अब बहुत अच्छा लग रहा है हमारा घर। तो तीन रूम है ये और बस, और छत भी बहुत अच्छी बन गई है। अभी छत भी, छत में जाते हैं, छत का भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे बंद कर देते हैं सब, नीचे जा रहा है ये। क्या करने जा रहा है नीचे? पपीता वहाँ पे गिरा हुआ। अच्छा जल जा, जल्दी जा। अच्छा अच्छा, ये मैं इसकी वीडियो नहीं बना रही थी, यही पे खड़ा था उतनी देर से, व्लॉग में आने का वेट कर रहा था, अब जा रहा है। जल्दी जा। फेंक ये लो, मम्मी ने काट दी पपीते। बहुत टेस्टी हो रहा है ये, मिनी वर्जन ऑफ पपीता। ये हमारा वॉशरूम है, ये दोनों वॉशरूम है और ये बाथरूम है। तो वॉशरूम तो ठीक है एक, लेकिन अब इतने सारे लोग आएंगे कल तो पता लगेगा, बाथरूम हमारा एक ही है। और ये हमारी छत। चल चल, वाओ। ये जो सबसे अलग वाला रूम था ना हमारा स्टोर रूम, ये उसकी छत है और ये दूसरी वाली छत। सन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, अब बहुत बड़ी हो गई हमारी छत। यस, ये है चौराहा जिसपे सब जेंट्स लोग बैठते हैं, और वो है रोड, जो रोड आ गई है ये वाली है हमारी कार, ग्रे वाली। वहीं पे हमने कार लगा रखी अपनी। यहाँ से व्यू देखो, हाँ आप लोग। यहाँ पे हम अब अपनी छत भी हमारी अच्छी हो गई है, तो हम सोच रहे हैं, हमने वीडियो बनाने का डिसाइड करा है यहाँ पे, देखते हैं बनता कि नहीं बनता। पहले जो छत थी ना वो ऐसे थी, मतलब इतनी थी इसके बराबर, पहले ये सब नहीं था। पिछले वाले व्लॉग में ज़रूर देखना आप, फिर देखना हमारा अब रेनोवेटेड हुआ हुआ घर। अब यहाँ पे ग्रिल्स भी लग गई हैं और बहुत बड़ा हो गया, स्पेशियस हो गया, बहुत अच्छा वीडियो बनाने के लिए। मत उठाओ से। अब यू हमारू लयू छ दिल्ली बटी कलियो, अरे बटन बटन और जाड़ छा हम ताऊ जी करो घर। चला, ये हमारा, ये हमने बनवाया था मंदिर, कौन से सन में, कब बनाया था ये? सन 1900 लिखी हो, कहाँ लिखा है, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा। देख क्या, तो ये हम लोगों ने मंदिर बनवाया था, टाइम हो गया पर याद नहीं आ रहा कब। हम आए हैं यहाँ ताऊ जी के घर, ताऊ जी तो नहीं है शायद घर में, ताई जी है। ताई जी नमस्ते, हम सुबह सुबह आए। नमस्ते, ठीक हो? ठीक हो। ये देखो यहाँ पे एक लंगूर भी दिखा हमें, ये रहा, बहुत सारे लंगूर है, आज पहली बार देखा हमने लंगूर। तो हमारी ताई जी का घर कुछ ऐसे है, बाहर का सिटिंग एरिया है, अच्छी सी बालकोनी है और अंदर रूम्स वूम सब है, और मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। पर यहाँ पे अभी लंगूर भी है, लंगूर। अगर आपने हमारे दिसंबर वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो यहीं पे वो एरिया है जहाँ पे पूजा हुई थी, मैं वहाँ ऊपर बैठी थी। चलो अब हम दूसरे ताऊ जी के घर जा रहे हैं। पहले यहाँ पे बहुत मोटा पानी आता था, अब तो बहुत पतला है, बहुत अच्छा लगता था, पर अब तो बहुत पतला हो गया पानी, बहुत कम पानी हो गया, क्या करें। और ये जा रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है ये, और ये यहाँ से खेतों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये सारे खेत। अब ये लोगों ने यहाँ पे भी घर बना दिए, पहले यहाँ पे बिल्कुल मतलब सारे खेती थे, अब तो यहाँ पे बन गए। ये मौसी औरों का है, ये ताऊ जी औरों का है। और कितने टाइम बाद आ रहे यार नीचे वाले रास्ते में, वैसे हम ऊपर, अब गाड़ी ऊपर आ गई ना तो ऊपर ही जाते हैं। यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या हो गया? ए डरना नहीं, हरे भरे खेत। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे मौसी के घर, पहले चलो। हम घर पे आए और यहाँ तो ताला लगा है, इतना बड़ा ताला लगा है वहाँ देख, पर यहाँ से कितना अच्छा व्यू है इनके घर से सारे खेत का। यहाँ पे घर तो बहुत अच्छी लोकेशन में है, मतलब व्यू इतना अच्छा है यहाँ पे, लेकिन हाँ, लेकिन रात में लगता है यार डर अकेले रहने में। हम लोगों के घर तो ऐसे है ना, सबके मतलब
एक साथ हैं तो यहाँ पे थोड़ा लग जाता है, मतलब डर एकदम अलग सा है ना। नहीं मैं भी आ रही हूँ। चलो अब हम जाते हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन की ओर, किसी और के घर देखते हैं, जो घर पे मिल जाएगा उनके घर जाएंगे, है ना। ये भी बहुत सन कितना प्यारा आ रहा है, आसमान इतने अच्छे लग रहे हैं ना। ये है ताऊजी औरों का घर, ये लोग भी ये दिल्ली रहते हैं तो अभी इनके घर में कोई नहीं है, सब बंद है। ये देखो ये आम का पेड़, और कितने छोटे छोटे आम लगे इसमें अभी। दोस्तों यहाँ आम के पेड़ बहुत सारे हैं, ये देखो बस यही है, ये छोटे छोटे हैं। वाह ये इतने छोटे हैं कि अभी इनको ना हम खा नहीं सकते हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया है, मन हो रहा है जैसे खा दे, पर बहुत कड़कड़े हैं। ये आ गए हैं मंदिर, ये है खेतरपाल मंदिर। यहाँ पे हम लोग शाम को आ सकते हैं, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा घूम के यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे ऐसे ही है घूमने लायक। ये आपको रिवर दिख रही है, ये है अलकनंदा रिवर। और कैसे गंदा सा क्यों लग रहा है इसका पानी। ओह नो, आज देखें यहाँ पे भी इतने सारे, ये तो जूम करने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे आम। अब नहीं तोड़ नहीं, हम पहुंच गए ताई जी औरों के घर। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे पता ही नहीं था। ताई जी नमस्ते भाई, नमस्ते। यहाँ पे ताऊ जी आ गए हमारे। यहाँ पे ताऊ जी बता रहे हैं लीची भी लगी है, हम लीची देखने जा रहे हैं। लीची कहाँ लगी है, आम तो पूछो मत, ऐसा लग रहा है सारी यहीं से खेती हो रही है आमों की। सबके यहाँ एक के काम के पेड़ है। गिरनानी चल चल, अच्छा ये है लीची के, ये है लीची का पेड़, पके थोड़ी है ना ये। एक ये मिला हमें, यही थोड़ा पका हुआ दिख रहा है, बाकी तो सारे अभी पके नहीं है वो। चलो मेरे को लीची पसंद नहीं है वैसे, मैं नहीं खाती लीची। तो मतलब उस हिसाब से आम का पेड़ भी हमारा। ये यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है, हम ताऊ जी औरों के घर से आ गए हैं और अब रात हो चुकी है, हम घर जा रहे हैं। और इसको डर लग रही है, इसको पसीना पसीना हो गया है डर लग के। ओह नो, घर आते ही दादी का हल्ला शुरू होने लग गया। क्या बोल रहे हो, कहाँ गए, कुछ पूछ के गए तुम, सारे सारे गए, बता के तो गए थे हम। किसको, ये देखो पापा बैठे थे, आप ताऊ जी और के साथ गप लगा रहे थे, हमने आपको भी बोला। दादी का घपला होने लग गया, तुम बहुत लेट हो गए आते आते। अरे हम जा रहे थे नीचे ताऊ जी और के यहाँ, पहले दादी का हल्ला होने देते। बस बस यार, वो बताएगा वो चप्पल दे देगा। हाँ दे देगा भाव। हम जा रहे थे ताऊ जी और के घर, और दादी और घर में बैठे थे, दूसरे ताऊ जी आ रहे थे पापा के साथ, घर में बैठे हुए थे ना ताऊ जी। और तो दादी गई थी सप्ताह में, यहाँ पे किसी की सप्ताह हो रही थी गांव में, तो फिर उसमें दादी ने वहाँ चप्पल छोड़ दिए होंगे, चप्पल वहाँ से चोरी हो गए ना, वहाँ से चोरी हो गए। अब दादी घपला करने में लगे, हमने बोला हम लीची ला रखे ना, फिर दादी के मुंह में डाल दो, दादी का मुंह बंद करा दो। दादी हम सीधे आए, दादी हल्ला करने लग गई, बताओ लीची देखी मुंह में। वही तो आप रात का व्यू देखो, सामने दूसरे दूसरे गांव है, कितने अच्छे लग रहे हैं, सारे चमक रहे हैं। कुछ ना ही वीडियो बना रही हूँ, और अभी हमने तो डिनर कर लिया है, और मैंने सोचा इस ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। तो दादी मेरे को अंदर से बुला रही है, तो दादी इस ब्लॉग की एंडिंग में दादी करेगी। तुमको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, नीचे एक बटन होगा।
उसको दबा देंगे, सब क्रैक हो जाएगा। हम सोने जा रहे हैं, आप भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हम जा रहे थे, हम जा रहे थे ताऊ जी और के घर। रुक जा भाई, घर सर सबको सबको लेट कर दे। अरे सोना नहीं है। अरे बोलो तो, बोलो दादी फिर सो जाना यार। बोलो थोड़ा प्लीज ना। बोलो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, नीचे क्या बटन सब्सक्राइब सब। तेज बोलो अब हम सोते हैं। गुड नाइट। तेज बोलो अब सोते हैं भैया, तो मैं तो पागल हूं। तेज बोलो प्लीज।